हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बीम्स का बताने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। ठीक है, कि हमारे पास जो ड्राइंग में गिवन था, अब मैंने आपको ड्राइंग की रीडिंग भी आपको मैं पोस्ट की थी वीडियो, वो आप लोगों ने वॉच की है कि ड्राइंग की हम कैसे रीड आउट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताऊँगा कि कौन सी एक्स्ट्रा बार्स हैं, कौन सी हमारे पास स्टिरप्स हैं, स्टिरप्स की कौन कौन सी जगह से हमने स्पेसिंग रखी हुई है, स्पेसिंग का हमारे पास अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम कैसे रीड आउट करते हैं। फिर हमारे पास ये जो बीम है, बीम में हमारे पास जो ऊपर एक्स्ट्रा बार थी, कंटिन्यूस बार कौन सी चल रही है, कंटिन्यूस बार का डाया क्या है, मतलब आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। वो मैंने आपको बताई थी ना ड्राइंग कैसे हम रीड आउट करते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। ठीक है, सो सबसे पहले ये हमारे पास एक ड्राइंग प्लान है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास ड्राइंग प्लान है। अब ये हमारे पास साइड है पूरी। अब अकॉर्डिंग टू ड्राइंग प्लान हमने बीम आइडेंटिफाई करना है, ये वाला बीम हमारे पास कौन सा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका हम कैसे रीड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास ड्राइंग, ये हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। अब उस साइड देखो, हमारे पास ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉलम है, ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, ये हमारे पास है डी। ठीक है, सो वो जो लास्ट वाला कॉलम है वो हमारे पास है डी। अब ये मिड में आ गया। ठीक है, अब ये कॉलम हम सिमिलरली चलते जाएंगे, अब ये कॉलम हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, ये बालकनी, ये बालकनी, अब इस साइड पे ये देखो, ये बालकनी है हमारे पास, एक बालकनी हमारे पास वो है। ठीक है, उसके मिड में ये बीम है, ये बीम अब हमारे पास कौन सा हो गया, SB7। ठीक है, SB7, और इस लाइनों के साथ, इस लाइनों के साथ चलते हुए हम जाएं यहाँ पे, ये कौन सा है, J2P। ठीक है, J2P, सो ये बीम जो है हमारा, ये हमारा J2P। अब J2P, अब जब हम जाएंगे बीम्स की ड्राइंग पे, ठीक है, कि बीम्स की ड्राइंग में हमारे पास J2P कॉलम कहाँ पे है। सबसे पहले आप देखो, ये हमारे पास आ गई बीम की ड्राइंग। प्लीज़ होल्ड, इसको यहाँ पे होल्ड करो वसीम, इसको यहाँ होल्ड करो। अब ये होगी हमारे पास, देखो ये SB, छोड़ दो छोड़ दो, ये होगी हमारे पास S2 SB7, ये आ गई SB7। ठीक है, SB7 में अब देखो हमारे पास J2P किधर है, J2P हमारे पास ये आ गया। ठीक है, J2P ये आ गया। अब ये बीम जो है हमारे पास, ये वाला बीम है यहाँ से लेके वहाँ तक। ठीक है, ये बीम हमारे पास J2P है। अब J2P बीम जो है, इसमें हमारे पास अब नीचे जो वह हैं, 5 बार्स हैं, मैन बार जो हैं, ये जो जा रही हैं, ये 5 बार हैं, 3x8 इसका डाया है, 5 बार हैं, 3x8 इसका डाया है, और ये थ्रू आउट चल रही है। ठीक है, ये कंटिन्यूस मीन्स कि ये हमारे पास इस तरह थ्रू आउट चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये बार्स कौन सी हैं। अब ये बॉटम में है, बॉटम में देखो, ये हमारे पास एक बार ये है, एक ये, दो ये, तीन वो डबल हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये दो हैं, सिमिलरली दो हमारे पास इस साइड पे हैं। ठीक है, सो ये 2, 4, 5 बार्स हमारे पास बॉटम में आ गई। और कितना इसका डाया है हमारे पास, 3x8 अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमारे पास कितना इसका डाया है, और सॉरी 3x4, ये देखो 3x4। ठीक है, सो ये थ्रू आउट हमारे पास बार चली है। अब ये हमारे पास ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ कि हमारे पास ऊपर वाली 2 बार्स हमारे पास थ्रू आउट जा रही हैं 3x4 की, 4 बार हमारे पास एक्स्ट्रा बार्स हैं जिनकी लेंथ हमारे पास 8 फिट है। ठीक है, 8 फिट इस साइड पर, 8 फिट इस साइड पर, 3x4 और 3x4। ठीक है, अब आ जाओ टॉप पे, चेक करते हैं। ये देखो, अब यहाँ से जो है कॉलम से लेके इस जगह तक हमारे पास ये जो लेंथ है, ये 8 फिट है। 8 फिट पे हमने एक्स्ट्रा बार्स कितनी प्रोवाइड की हुई हैं, 4। अब देखो हमारे पास 4 हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, और एक यहाँ पे नीचे, ये 4। ठीक है, 4 बार हमारे पास एक्स्ट्रा बार्स होगी जो हमारे पास यहाँ से लेके, इस जगह से लेके यहाँ तक हैं, मतलब 8 फिट हैं। ठीक है, 8 फिट हैं हमारे पास। अब बाकी जो हैं 2 बार्स जो थी वो आपके पास थ्रू आउट जा रही थी। अब थ्रू आउट वाली बार कौन सी हैं, वो आपके पास ये वाली बार्स हैं, ये और ये बार, ये आपके पास थ्रू आउट जा रही हैं।
थ्रू आउट, ठीक है। और ये बीच में जो है हमारे पास यहाँ तक एक्स्ट्रा बार्स हैं, ठीक है। अब साइड्स में मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से आपको सही नज़र आएगा, देखा। अब ये बीच में ये कोई नहीं है बार, और फिर लास्ट में ये, और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो है हमारे पास 8 फिट है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास ऊपर मैन बार और स्पोर्ट बार की बात। अब बात करते हैं कि हमारे पास स्टीरअप्स की क्या स्पेसिंग है, क्या हिसाब है। अब देखो जो फर्स्ट जोन है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें हमारे पास स्टीरअप्स का डाया है 3x8, मीन 3 सूतर का हमारे पास स्टीरअप है, और उसका 4 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद चलो पहले ये चेक करते हैं, 3x8 का हमारे पास स्टीरअप है और उसका डाया हमारे पास 3x8 है और उसका 4 इंच सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। सो यहाँ पे चेक करते हैं। अब ये आपके पास आ गया स्टीरअप, और वो लेंथ कितनी थी, 6 फीट 6 इंचेस, ठीक है। इस कॉलम से यहाँ से लेके यहाँ तक 6 फीट 6 इंचेस, ठीक है। वहाँ से लेके यहाँ तक 6 फीट 6 इंचेस, हमने जो इसकी स्पेसिंग रखनी है वो 4 इंच रखनी है। 3x4 का हमारे पास डाया है। अब ये जो डायामीटर है हमारे पास स्टीरअप का, ये 3x4 है, और इसकी ये जो स्पेसिंग है ये हमने 4 इंचेस रखनी है, ठीक है। 4 इंचेस हमारे पास एवरेज होती है, ठीक है, मींस एवरी साइड पे। प्रैक्टिकल वर्क में जब आप आओगे तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमारे पास ये फुल 4 इंच नहीं होती, ठीक है, फिक्स 4 इंच नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि स्टीरअप इसी तरह हम प्लेसिंग कर रहे होते हैं तो वो आधी इंची आगे पीछे मतलब इस तरह हो जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इशू कोई नहीं है। सो ये मार्क आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से पीछे पीछे हमारे पास स्टीरअप की स्पेसिंग जो है वो हमारे पास 4 इंचेस है, और इस मार्क से ले के हमारे पास ये जो मार्क है, असल में ये हमने पहले भी मार्क आउट किया हुआ है, ठीक है, निशान लगाए हुए। सो अब मिड में देखो ये हमारे पास स्पेसिंग 8 इंचेस हो गई है, ये देखो ये स्पेसिंग हमारे पास ज़्यादा है थ्रू आउट। सो मिड में स्पेसिंग हमारे पास ज़्यादा है, कॉर्नर पे स्पेसिंग हमारे पास जो है वो 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपके पास ये जो रिंग है, रिंग देखो कॉलम के बाद यहाँ पे ये हमारे पास ये अब वैसे ही एक्स्ट्रा बीज में पड़ा है, ठीक है, इसको निकाल देंगे। ये कॉलम का क्लियर कवर छोड़ा, उसके बाद ये हमारे पास आगे रिंग स्टार्ट होने, ठीक है। अब कॉलम के बीच में कोई रिंग हम प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, ये कंटिन्यूस बीम है, वो बीम थ्रू आउट चलता हुआ आ रहा है, कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है, ठीक है, ये थ्रू आउट बीम है। अब उसके बाद अब देखो यहाँ पे ये बीम सॉरी कॉलम के बाद फिर आपने स्पेसिंग छोड़ के फिर उसके बाद यहाँ पे स्टीरअप्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब ये भी सेम टू सेम वही केस है, वही चक्कर है। अब यहाँ पे अब ये सिमिलरली सारों का ड्राइंग का हिसाब किताब सेम ही तकरीबन है, ठीक है, इसी वजह से आपको इस बता रहा हूँ। अब ये भी देखो हमारे पास स्पेसिंग जो है सेंटर टू सेंटर 4 इंचेस है यहाँ तक। अब अगर आप प्रैक्टिकली भी देखो ना तो देखो यहाँ से रिंग कितने नज़दीक हैं, स्टीरअप्स कितने नज़दीक हैं, और उसके बाद जब मिड वाला जोन आता है हमारे पास उस टाइम स्टीरअप्स हमारे पास ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, देखो दूर होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आके हमारे पास स्टीरअप्स दोबारा नज़दीक हो गए। अब इस जगह पे देखो हमारे पास स्टीरअप्स दोबारा उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कम होती जा रही है, ठीक है। सो स्टीरअप बेसिकली क्या फंक्शन कर रहे हो, स्टीरअप बेसिकली फंक्शन कर रहे होते हैं हमारे पास शेयर फोर्स रेजिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो जहाँ पे अब ये मिड स्पैन है, अब ये एक कॉलम हमारे पास वो, और ये बीच में स्टेटिक कॉलम है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली सिर्फ इनको होल्ड अप कर रहा है, ये जो हमारे पास सेंट्री पाइप्स हैं, ठीक है, इसको हमने ये इसको स्टेटिक कॉलम कहते हैं, ठीक है, इसको अलग से हमने कर दिया, इसका ये कॉलम नहीं है, लोड बर्दाश्त नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये देखो ये कॉलम इसके मिड में हमारे पास यहाँ पे देखो ये बार की स्पेसिंग ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट जो है मैक्सिमम होती है मिड वाले में, और शेयर फोर्स हमारे पास 0 होती है, और यहाँ पे बेसिकली शेयर फोर्स हमारे पास ज़्यादा होती है, इस वजह से स्टीरअप्स की स्पेसिंग हमने कम रखी हुई है, और यहाँ पे शेयर फोर्स की स्पेसिंग हमारे पास सिमिलरली कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है ये बिकॉज ऑफ द शेयर फोर्स, ठीक है। सो
सिमिलरली इस तरीके से हम ड्राइंग को स्टडी करके और इस तरह इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बार्स के डाइव हम रखवाते हैं, बार्स के हम सेंटर सेंटर स्पेसिंग स्टीरअप्स की रखवाते हैं, ठीक है। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ समझ ना आ रही हो, कुछ मसला पेश आ रहा हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।